हेलो फ्रेंड, जी एस ओमडीएन शिव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30x50 का पूरा मुख्य घर का नक्शा, वो भी पूरे वास्तुशास्त्र के अनुसार, इसका पूरा डिटेल्स हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ठीक है। इसकी लंबाई है 50 फीट यहाँ से यहाँ तक की, और इसकी चौड़ाई है 30 फीट यहाँ से यहाँ तक। इधर फ्रंट साइड यानी रोड साइड इस तरफ यहाँ से एंट्री होती है। इधर आपका मेन गेट, इधर मेन डोर, ठीक है। इधर आपका गेस्ट रूम, इसका साइज है 8 फीट 9 इंच इस तरफ, 10 फीट इस तरफ, ठीक है। इधर एंट्री होती है। यहाँ पर आपका डाइनिंग, इसका साइज है 10 फीट बाय 12 फीट का। इधर पूजा रूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 10 फीट बाय 5 फीट का, ठीक है। इधर ड्राइंग हॉल, और इधर स्टेयर इस तरफ ऑफ ऐसे लैंड, ठीक है। इसका साइज है 38 फीट 6 इंच ऐसे यहाँ से यहाँ तक की, 6 फीट 8 इंच ऐसे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इधर यहाँ से ऑफ, इधर लैंड, इस तरफ एक विंडो। इधर बेडरूम, इसका साइज है 11 फीट बाय 10 फीट का, इस तरफ विंडो है। इधर कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इसका साइज है 5 फीट बाय 10 फीट का, इस तरफ एक वेंटिलेशन। इधर दूसरा बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है ये सेम की गई है 11 फीट बाय 10 फीट का, इस तरफ और इस तरफ विंडो है, ठीक है। इधर तीसरा बेडरूम, इसका डोर यहाँ से, इसका साइज है 11 फीट बाय 10 फीट का, ये भी सेम की गई है। इधर बाथरूम, इसका साइज है 5 फीट बाय 5 फीट का। इधर टॉयलेट, इसका साइज है 5 फीट बाय 4 फीट 6 इंच का, ठीक है। इधर इसका डोर, इधर डोर, इधर चौथा बेडरूम, इसका साइज है 11 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। इस तरफ एक विंडो। इधर किचन, इसका साइज है 10 फीट बाय 10 फीट का, ठीक है। इस तरफ इसका डोर, इस तरफ विंडो, इस तरफ विंडो ई, और जहाँ पर भी आपको रेड कलर का बिंदु दिख रही है वहाँ पर कलम लगी हुई है। इस नक्शा का आउटसाइड और इनसाइड वॉल 10 इंच का है, सिर्फ ये वॉल 5 इंच का है। दोस्तों, अगर इस घर का नक्शा आपको अच्छा लगा तो एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।